छुआछूत, जातिवाद। भारत में छुआछूत और जातिवाद आज भी उतना ही है जितना कि आज से 75 साल पहले था। हाँ, ये बात अलग है कि आज छुआछूत को राजनीति ने अलग ही तरीके से हमारे भारत देश में पेश किया है, लेकिन छुआछूत होता किनके साथ है? दोस्तों, जो लोग चमार जाति से संबंध रखते हैं उनके साथ छुआछूत होता है। जिन लोगों को भारत में दलित की संगति दी गई है उन लोगों के साथ छुआछूत होता है। यानी भारत में जो भी पहले नीची जाति से संबंध रखते थे उन्हीं के साथ आज भी भारत देश में छुआछूत होता रहता है। लेकिन आप में से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि छुआछूत आज के समय में कहाँ है। अगर छुआछूत आज के समय में नहीं है तो फिर हमारे भारत देश में आए दिन बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जी की मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है? यदि छुआछूत आज नहीं है तो फिर क्यों मटके से पानी पीने पर एक छोटे मासूम की जान ले ली जाती है? दोस्तों, ये सब छुआछूत ही तो है जो आज हमें राजनीति के तौर पर अलग ही नजरिए से देखने को मिलता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सन 1938 में ये बात कही थी कि दलितों की अपनी पार्टी के सिवा कोई भी उन पर हो रहे अत्याचारों को मुक्त नहीं कर सकता, ना ही कोई उन्हें छुआछूत की बेड़ियों से निकाल सकता है और ना ही उन्हें ऊंच और नीच से कोई बचा सकता है। और ये बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सत्य हुई। सैकड़ों वर्षों की गुलामी में इतना छुआछूत नहीं था जितना कि उस मिली हमें आजादी में अब भी देखने को मिलता रहता है। दोस्तों, आपको तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सत सत नमन करना चाहिए। जिनके पास पानी पीने का अधिकार नहीं था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सन 1927 में महार सत्याग्रह शुरू कर उन दलितों को पानी दिलवाया जिनके सामने पानी होता तो था लेकिन उन्हें पीने का अधिकार नहीं था। पानी पीने का अधिकार भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ही हम दलित लोगों को दिलाया है। हम दलित समाज के लोग अपनी संपत्ति के यानी जो कुछ भी मेहनत से अपना कमाते थे हम उसके भी हकदार नहीं बन सकते थे। ये हक हमें किसने दिलवाया? ये हक भी हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिलाया। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कलम चलाकर न जाने कितने लोगों को जागरूक कर सकते हैं, तो क्या आप लोग इस वीडियो को शेयर कर जो बहुजन समाज के लोग सोए हुए हैं उन्हें नहीं जगा सकते? आज भी छुआछूत भारत में उसी तरीके से होता है जितना कि आजादी से पहले 75 वर्षों में हुआ करता था। दोस्तों, ये बात तो हर कोई जानता है कि आज राजनीति ने अपनी अपनी ठेकेदारी खोली है और उसमें पिस रहा है एक आम आदमी। आम आदमी यानी जो मजदूर होता है। अंधेरे में से रोशनी की किरण लाया वो, न जाने कितने दलितों को बचाया उसने, न जाने कितने विरोधियों का सामना करने आया वो, न जाने कितनी रुकावटों को पार कर अपनी पढ़ाई को अंजाम देने चला गया वो, जिसे आज लोग सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से कहलाते हैं, उर्फ बाबा साहब सबसे ज्यादा जय भीम का नारा कहलाया वो। जय भीम, जय भारत। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो।